बच्चों, आज मैं कवि रहीम के दोहों का अध्ययन करवा रहा हूं। कवि रहीम के बारे में पिछली कक्षा में मैंने तो बताया था, उनके शेष कुछ दोहे पढ़ाए भी गए थे। आज जो बचा हुआ दोहा है, उन दोहों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोहा संख्या 5 में रहीम कहते हैं, दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोरे हो आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। दोहा एक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। बच्चों, यह छोटा सा होता है, दोहे का आकार बड़ा सीमित होता है, छोटा, मात्र 2 पंक्तियों में कवि अपने बातों को कह जाते हैं। तो जिस प्रकार दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उसका अर्थ बड़ा गंभीर होता है, जिस प्रकार नट अपने शरीर को सिकुड़ाकर कुंडली पर चढ़ जाता है, ठीक उसी तरह दोहे के अक्षर थोड़े होते हैं, अर्थ उनके गंभीर होते हैं। थोड़े से अक्षरों में कवि अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। दोहा संख्या 6, धनी रहीम जल पंकसो लघु जियत आघाय, उदधि बाई कौन है जगत प्यासो जाय। संसार में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ गरीब, कुछ बहुत अमीर, दोनों के स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। गरीबों में दान की प्रवृत्ति होती है, अमीर सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोगों की तुलना कवि रहीम करते हैं, धनी रहीम जल पंख से, जल पर स्थित पानी, जल पांके पर स्थित जल से। रहीम कहते हैं धनी रहीम जल पंख को, धन है पांके पर स्थित थोड़े से जल, जिसे लघु जीव पियत आघाय, जिसे छोटे छोटे जीव पी करके तृप्त होते हैं। पांके पर के जल धन है क्योंकि छोटे छोटे जीव उसे पीकर अपनी तृषा शांत करते हैं। लेकिन उदधि बड़ाई कौन है, लेकिन समुद्र की क्या बड़ाई है, जगत प्यास हो जाए, समुद्र में अथाह जल राशि है, लेकिन उस अथाह जल राशि के रहते हुए भी जगतवासी प्यासे ही रह जाते हैं, अपनी तृप्ति, अपनी प्यास नहीं मिटा पाते हैं। तात्पर्य यह कि धन सार्थक उसी का है जिससे परहित हो, परोपकार हो। जिस व्यक्ति का धन परहित परोपकार किसी की सेवा में अर्पित नहीं हो सका, वह धन व्यर्थ है, उस सागर जल के समान। दोहा 7 में है, नाद रीझ तन देत मृगा नर्धन हेत समेत, आवाज संगीत की ताल सुनकर, आवाज सुनकर मृग सुदूध खो देता है, रीझ कर सुदूध खो देता है। लेकिन मनुष्य कैसा है, जो बहुत प्रसन्न होने पर, बहुत रीझने पर भी कुछ नहीं देता है, ऐसा मनुष्य पशु से भी पतित है, गिरा हुआ है।
यानी उसमें इंसान वही है जिसमें इंसानियत के गुण हो, आदमी वही है जिसमें आदमियत की खूबियां हो। जो व्यक्ति बहुत खुश होने के बावजूद भी कुछ दे नहीं पाता है वह पशु से भी पतित है, पशु से भी गिरा है। दोहा संख्या 8 में बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम ने अपनी जिंदगी में उतार और चढ़ाव दोनों देखे थे। जीवन और समाज का जो अनुभव रहीम के पास था उसका सटीक चित्रण उनके दोहों में हुआ है। रहीम कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, बात जब बिगड़ जाती है तो बनती नहीं है। लाख करो किन कोय, लाख उपाय करो लेकिन बिगड़ी बात बनती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर रहीम पेश करते हैं रहमन फाटे दूध को। रहीम कहते हैं कि जब दूध फट जाता है तो मथेन माखन होए, कितना भी मथो माखन नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से जैसे फटे दूध से माखन नहीं निकल सकता है, बिगड़ी बात बनने पर बन नहीं सकती है। दोहा संख्या 9 रहमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहां काम या वेशवी कहा करे तरदार। प्रायः संसार में ऐसा देखा जाता है कि बड़े लोगों की लोग खुशामदे करते हैं, तलवे सहलाते फिरते हैं, लेकिन छोटों को कोई पूछता नहीं। लेकिन कभी कभी जीवन संग्राम में ऐसा मौका आ जाता है कि बड़े धरे के धरे रह जाते हैं, जिस काम को वे नहीं कर पाते हैं उसे छोटे ही कर दिखाते हैं। रहीम कहते हैं कि रहमन देखी बड़े न को, बड़े को पा करके छोटों का परित्याग न कीजिए, क्योंकि जहां सुई की काम जहां सुई काम देता है, जहां सुई का काम है वहां तलवार कुछ भी नहीं कर सकता। सुई बहुत छोटी सी वस्तु है, लेकिन जहां सुई की आवश्यकता है वहां बड़े होने के बावजूद भी तलवार कुछ नहीं कर पाता। यानी छोटे लोग भी बहुत बड़े बड़े काम को साध डालते हैं, जो काम बड़ों से नहीं होता है उसे छोटे कर डालते हैं। इसलिए छोटों के महत्व को भी अहमियत देना आदमी को चाहिए, हमें चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है। अपनी संपत्ति के बगैर विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है। जैसे बिन पानी जो जलज को नहीं रह सके बचाए, तालाब में कमल है किंतु तालाब जलहीन है सूखा है, तो ऐसी स्थिति में जलहीन कमल को सूरज कुछ भी नहीं बन कर सकता। विशेषता यह है कि कमल सूरज को देखकर खिलता है और सूर्यास्त होते ही मंद जाता है, लेकिन कब, जब उसमें जल है। तालाब में जल नहीं है तो सूरज के सारे गुण व्यर्थ पड़ जाते हैं, सूरज कुछ भी नहीं कर सकता। तो अपनी संपत्ति जब तक नहीं होती है मनुष्य को कोई कुछ नहीं सहायता कर सकता, जैसे जलहीन कमल को सूरज नहीं सहायता कर सकता। दोहा नंबर 11 है रहमन पानी राखिए, बिन पानी सरसुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पर पानी में श्रेष्ठ अर्थ है। पानी का उदाहरण देकर कवि ने अनेक अर्थों का संपादन किया है इस दोहे में। रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि मनुष्य को पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब सुना है। जैसे पानी गए न उबरे मोती,
पानी गर ना उबरे, पानी खत्म होने पर मोती मनुष्य और चूना की स्थिति खराब हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पानी के तीन अर्थों में प्रयोग हुआ है। मोती के लिए पानी का चमक से है, अर्थात मोती की चमक समाप्त, मोती बेकार। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत से है, मनुष्य की इज्जत समाप्त तो कोई काम का नहीं रह पाता। और चूना अर्थात चूना सूख जाने पर कोई काम नहीं देता। यहाँ पर चून का अर्थ एक और आया है, आटा का भी आया है, लेकिन पानी के बिना आटे को गूंथा नहीं जा सकता, इसलिए पानी का यहाँ पर तीन अर्थ है। इस दोहे में मोती मांस चून में श्लेष अलंकार है।